सिंगर जानी को मिली जान से मारने की धमकी, क्या जानी की जान है अब खतरे में? क्या सिद्धू मूसेवाला के बाद सिंगर जानी होंगे नेक्स्ट टारगेट? सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था इतनी कम उम्र में, और इस तरह अपनों को अलविदा कह चुके सिद्धू मूसेवाला लोगों के दिलों में और दिमाग में हमेशा रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेदार बदमाश फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या सिद्धू की मौत के बाद चीजें बदल गई हैं? क्या अब गैंगस्टर के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब कानून का जरा सा भी डर नहीं है? और क्या अब सिद्धू के बाद इस गैंगस्टर के निशाने पर कोई और है? सिद्धू मूसेवाला की हत्या कई सवाल खड़े करती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही कई सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां दबंग खान सलमान खान को मिली धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो वहीं कटरीना और विकी कौशल को मिली धमकी के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। और अब इसी बीच एक और सिंगर को धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है। पंजाब के फेमस सिंगर जानी ने हाल ही में पंजाब पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि जानी के मुताबिक उनकी जान को खतरा है और उन्हें इस बात का डर है। जानी का कहना है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में सिंगर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिख अपनी सुरक्षा की मांग की है। जानी ने बताया कि धमकी के चलते उन्होंने अपने परिवार को पहले ही विदेश शिफ्ट कर दिया था, और अब उनकी और उनके मैनेजर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सिंगर जानी के साथ उनके मैनेजर दिलराज ने भी पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानी ने सीएम भगवंत मान, एडीजीपी पंजाब पुलिस और मोहाली के एसएसपी को एक लेटर लिखा है, और अपनी इस चिट्ठी में जानी ने लिखा है कि मैं बीते कई सालों से पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूं। मुझे और मेरे मैनेजर दिलराज सिंह नंदा को फोन पर गैंगस्टर ने मारने की धमकियां दी हैं। आप हमारी मदद करिए। आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसा ही हुआ था सिद्धू मूसेवाला के साथ। सिद्धू को भी ऐसी ही फोन पर धमकियां मिलती थी, लेकिन सिद्धू ने अपने गानों से सबको मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिद्धू ने ना कभी किसी के लिए गलत सोचा और ना कभी गलत किया। अब जानी को मिली धमकी ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है, और पुलिस भी जानी को मिल रही धमकियों का पता लगाने की कोशिश में जुट चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको तो पता है एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए अब आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ENT लाइव को सब्सक्राइब करिए और आपको खबरें मिलेंगी मिनटों में।